बात कर लेते हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर है, यहाँ पर मुछबाड़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बीते 2 दिनों से जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। कई जिलों के डीआरजी एसटीएफ आईटीबीपी के जवान शामिल है। 2 दिनों से रुक रुक कर नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़ता, मेटा क्षेत्र में ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और एक एक करके नक्सली यहां से मारे भी जा रहे हैं। तो लगातार मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में चल रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 8 नक्सली मारे गए हैं अब तक। बड़ी खबर, अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और 8 नक्सली हमारे जवानों ने ढेर कर दिए। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। कई जिलों से डीआरजी एसटीएफ आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। 2 दिनों से रुक रुक कर यहां पर ऑपरेशन चल रहा है। कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़तामेटा क्षेत्र में ज्वाइंट ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और खबर है कि 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है वीर जवानों ने। जी हाँ बिल्कुल शुभम, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है और 2 दिनों से ये ऑपरेशन लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जो घनघोर जंगल हैं उस इलाके के नक्सलियों को अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने अपना निशाना बनाया है और 2 दिनों से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त कार्रवाई में अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा, कांकेर के जो डीआरजी के जवान है, 53वीं वाहिनी के जो जवान है वो वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। डीआरजी के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। 2 दिनों से रुक रुक कर वहाँ पर फायरिंग होने की खबर है और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि अब तक सुरक्षा बलों ने करीब 8 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि 8 नक्सलियों के मारे जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि कितने नक्सली वहां पर मारे गए हैं। इसके अलावा एक जवान के घायल होने की भी खबर है और घायल जवान को वहां पर प्राथमिक उपचार जो है वो भी दिया गया है, ऐसी भी खबर आ रही है। चूंकि अब मानसून का सीजन है और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून शुरू होने के पहले, बारिश शुरू होने के पहले या बारिश शुरू होने के बाद नक्सली एक बार फिर अपना मूवमेंट जो है वो तेज करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में नक्सलियों के मूवमेंट तेज हो पाता उसके पहले ही सुरक्षा बलों की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और करीब 3 से 4 जिले के जो सुरक्षा जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और मोर्चा संभालने के साथ घनघोर जंगल में, मतलब ऐसी पहली बार होगा कि अबूझमाड़ इलाके में एक साथ नक्सलियों के खिलाफ में ये बड़ी कार्रवाई हो और संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल कर उस इलाके को अपने निशाने पर लिया हो। काफी बड़ी बात इसके लिहाज से कही जा सकती है कि नक्सलियों के खिलाफ में जिस तरीके से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पहले चलता रहा है और उसमें अब तेजी कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है और अबूझमाड़ के घनघोर जंगलों में एक बार फिर से सुरक्षा जवान पहुंचे हुए हैं और वहां पर नक्सलियों को घेरा जा रहा है, घेर कर मारने की पूरी कोशिश है। हालांकि नक्सलियों की तरफ से भी रुक रुक कर वहां पर फायरिंग हो रही है और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन कौन से इलाकों में नक्सली तैनात हैं, कौन कौन से इलाकों में नक्सली छुपे हो सकते हैं, उन तमाम जगहों को चिन्हित करके अब वहां से नक्सलियों के सफाए करने की कोशिश में सुरक्षा जवान यहां पर जुटे हुए हैं। शुभम, कोई जानकारी मिली है क्या कि मुठभेड़ कब तक चलेगी, ऑपरेशन अंकुश कब तक चलेगा? और आपने कहा कि एक जवान घायल हुआ है तो क्या उसे फर्स्ट एड के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया है? क्या तबीयत फिलहाल कैसी है उसकी? देखिए शुभम, जो इलाका है नारायणपुर जिले का कुतुम और वो अबूझमाड़ का घनघोर इलाका कहलाता है, वहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, वहां पर थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैदल मार्ग से ही वहां पर पहुंचा जा सकता है, किसी भी वाहन के माध्यम से वहां पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जो संयुक्त ऑपरेशन के लिए जो टीमें बनाई गई थी उसमें कांकेर की अगर हम बात करें, नारायणपुर की अगर हम बात करें, बीजापुर की अगर हम बात करें, दंतेवाड़ा की अगर बात करें, तो यहां से सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम बनाई गई और संयुक्त टीम जो है वहां पर पहुंची है। 2 दिनों पहले से ही वहां पर ये सुरक्षा बलों की टीम पहुंची हुई है। वहां पर जैसे ही टीम पहुंची तो चूंकि पहले से सूचना थी कि इस इलाके में नक्सलियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, ऐसे में और सर्चिंग के लिए वहां पर निकले थे, लेकिन जैसे ही जब सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू की गई। फायरिंग शुरू होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि इस इलाके में नक्सली हैं। तो दोनों ही तरफ से जब फायरिंग हुई तो
नक्सलियों के जो मारे जाने की खबर है वो भी सूत्रों के हवाले से आती हुई दिखाई दी। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो जवान जो घायल हुआ है, और जवान को भी बहुत ज्यादा घायल नहीं है ऐसे भी खबरें आ रही है, लेकिन इलाज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्राथमिक उपचार जवान को दिया गया है, और अगर कोई स्थिति गंभीर होती है, ज्यादा घायल जवान होता है, तो उसको रेफर करने का काम भी किया जाएगा। फिलहाल एक बड़ी सफलता इस क्षेत्र में कही जा सकती है कि अबूझमाड़ का वो इलाका जो अनछुआ था, जहां पर सुरक्षा जवान बहुत कम पहुंच पाते थे या फिर वहां पर नक्सली जो है अपना डेरा जमाए रहते थे, उस जगह पर भी अब नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन करने के लिए हमारे जवान पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार हम बीते कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन देख रहे हैं, उसी तरीके का ऑपरेशन का हिस्सा इसको भी कहा जा सकता है, जहां पर 4 से 5 टीमों का एक संयुक्त ऑपरेशन जो है उस इलाके में चलाया जा रहा है। फिलहाल नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, संख्या स्पष्ट नहीं हुई है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। और ऑपरेशन की अगर बात करें तो 2 दिनों पहले ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है, और अभी कहा नहीं जा सकता कि ऑपरेशन कब तक चलेगा, कब तक ये खत्म होगा। फिलहाल जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी, सुरक्षा जवान जब वहां से लौटेंगे, तो तमाम जानकारी जो है आधिकारिक पुष्टि के तौर पर बताई जाएगी, प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, ब्रीफिंग के माध्यम से तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। शुभम, हालांकि प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार रहेगा, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश तमाम सारी जानकारी को सदा करने के लिए। लेकिन फिलहाल मुठभेड़ चल रही है, अंकुश बता रहे हैं रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। अबूझमाड़ के जंगल है जहां पर सुरक्षा बलों के नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है, और खबर मिल रही है कि 8 से ज्यादा नक्सली ऐसे हैं जो इसमें ढेर कर दिए हैं सुरक्षा बलों ने। जोगेश्वर नाथ इस वक्त जुड़ गए हैं, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं। जोगेश्वर, क्या अपडेट है? मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर 8 नक्सली ढेर हो गए हैं, कोई पुष्टि हो पाई है क्या? कब प्रेस ब्रीफिंग होगी, कुछ जानकारी? जी, मैं बता दूं, जो अबूझमाड़ का वो इलाका है जहाँ पे दंतेवाड़ा नारायणपुर कोंडागांव के जो डीआरपी को जो उतारा गया है, साथ में जो आईटीबीपी के जवान है वो जो है वो जंगल में उतरे हुए हैं। लगातार कल से जो है मुठभेड़ रुक रुक के जारी है, जवान जो है चारों तरफ से घेरा बनाए हुए हैं। अभी जो है सूत्रों से पता चलिए कि 8 से 9 जो है माओवादियों का डेड बॉडी है वो रिकवर किया जा रहा है, और जवान जो है किसी तरह से जो है सबको बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी जोगेश्वर, क्या पता चल पाया है कि कितने नक्सली वहां पर छुपे हुए हैं, और इसके अलावा ऑफिशियल्स ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है? हाँ जी, मैं बता दूं, क्योंकि आज फोर्स जो है लगातार उस क्षेत्र में घुसी है, तो फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए जो गैर लगाए माओवादियों की जो संख्या कम से कम 150 से अधिक जो है पुलिस दावा कर रही है। जी, अभी भी क्या मुठभेड़ वहां पर चल रही है क्या, रुक रुक कर? और ये मुठभेड़ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन से मुठभेड़ चल रही है, और कब तक चलती रहेगी, कुछ जानकारी? आगे की स्ट्रेटजी क्या है सुरक्षा बलों की, किस तरह से नक्सलियों का सफाया करने का प्लान उन्होंने बनाया है इस इलाके में? देखिए, इस जगह पे जो है महाराष्ट्र की सीमा लगी, इधर जो है तेलंगाना की सीमा है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है, और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी रणनीति है जो छत्तीसगढ़ से जो है नक्सल मुक्त कराने के लिए जो है लगातार इन क्षेत्रों में जो है अलग अलग क्षेत्र से जो है फोर्स बुलाया जा रहा है, और नक्सलियों को जो है कदेड़ा जा रहा है। जी अंकुश हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़ गए एक बार फिर से, लेकिन अंकुश पर भी आएंगे। जोगेश्वर, एक बार ये बता दीजिए कि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, प्रेस ब्रीफिंग होनी है, कौन प्रेस ब्रीफिंग करेगा, कब प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी, और कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है क्या इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ? जी, अभी तक इस तरह की कोई जो पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि सूत्रों से जो खबर जो है अलग अलग तरीके से जो है वो निकल के आ रही है। जी ठीक है, जोगेश्वर, फिलहाल ये जानकारी मिली है क्या, जो लोग जो नक्सली मारे गए हैं वहां पर, जिनको ढेर किया है सुरक्षा बलों ने, कौन कौन थे वो, कितने का इनाम था, क्या नामी नक्सली थे वो, क्या इसमें महिला नक्सली भी शामिल है? प्लाटून नंबर 6 की, इसमें महिलाओं की संख्या भी रही है, पुरुषों की भी संख्या, क्योंकि 8 से 10 लाख के इनामी जो है इस क्षेत्र में होने की जो है लगातार सूचना भी मिल रही है। जी, तो 8 से 10 लाख के नामी थे जो लोग मारे गए हैं, आप ऐसा बता रहे हैं, इसके अलावा और फिलहाल वहां पर क्या देख पा रहे हैं,
जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं, कितने इलाके को कवर कर रखा है सुरक्षा बलों ने, और क्या वहां पर और ज्यादा नक्सली भी छुपे हो सकते हैं, क्या कितनी तादाद नक्सली क्यों की हो सकती है? जोगेश्वर एक बार विस्तार से बता दीजिए। अब मार जो एसवी 4500 लगभग की वर्ग मीटर में जो पहला हुआ है, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, इस तरह के जो तमाम तरह के जो नक्सली है, अभी पूरे तरफ जो सफाई हो रही, तो अब मार को जो है सेफ जोन माना जाता था नक्सलियों का, तो यहाँ पे आके जो है वो बड़ा रणनीति बना रहे थे। उसे जो है लगातार एक सप्ताह से जंगल में रुकी हुई है, कल से जो है फोर्स के साथ लगातार मुठभेड़ चल रही है। इससे दावा ये भी लगाया जा रहा है कि कई बड़े नक्सल नेता वो भी मारे जा सकते हैं। जी भीड़ वहां पर चल रही है और अबूझमाड़ का जंगल आप बता रहे हैं कि कई वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसके चलते अभी ये नहीं पता चल सकता कि नक्सली कहां कहां छुपे हुए हैं। क्या कोई कम्युनिकेशन हो पाया है, कोई बातचीत का रास्ता निकल पाया है क्या? जोगेश्वर क्या कुछ इस तरह की खबरें भी हैं क्या, या अभी ये ऑपरेशन लंबे समय तक देखने को मिलेगा? जी ऑपरेशन अभी लगातार जारी है, कहीं ना कहीं और भी डेड बॉडी रिकवर हो सकती है। इलाके में जो है पोर्स अभी तक मारती तरह से जो है बाहर निकलते नहीं है, क्योंकि पोर्स बाहर निकल के आने से जो है पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। जी जोगेश्वर हमारे संवाददाता अंकुश बता रहे थे कि एक नक्सली एक जवान घायल भी हुआ है, उसे फर्स्ट एड दिया गया है, उसकी स्थिति फिलहाल कैसी है, कहाँ एडमिट किया गया, हालात में सुधार है क्या? अभी लगातार उस क्षेत्र में तो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि फोर्स जो है अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकाला गया है, तो इसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और जो है एक जवान घायल होने की जी जो है सूत्रों से खबर मिली है। जी ठीक है जोगेश्वर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है।